बाचा अब मुझे भाषण देने दो, यहाँ पे डिस्टर्ब मत करो, बाद में जितना करना है कर ले। अरे भैया ढक लिया, शक्ति डाली। अच्छा अब मुझे भाषण देने दो, यहाँ पे डिस्टर्ब मत। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी। धनबाद जिले में आज हुआ भव्य स्वागत, जहां लोगों का हुजूम देखने को मिला। लोग राहुल गांधी के एक झलक पाने के लिए लोग डटे रहे और राहुल गांधी का इंतजार सुबह से ही लोग कर रहे थे। बता दें राहुल गांधी पूर्वी चुंडी के हलकट्टा मैदान में सुबह 8:45 पर निकले गोविंदपुर लाल बाजार होते हुए सरायढेला रघुकुल जरिया कांग्रेस विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह रघुकुल आवास के पास स्वागत किया गया। इसके साथ ही राहुल गांधी की यात्रा सरायढेला रणधीर वर्मा चौक कोर्ट स्थित बार एसोसिएशन सदस्यों ने राहुल गांधी का स्वागत किया। वहीं बैंक मोड़ में राहुल गांधी को देखने के लिए हजारों की तादाद में लोग पहुंचे हुए थे। राहुल गांधी का स्वागत किया, वहीं एक युवती के साथ सेल्फी ली और उसे अपने वाहन पर बैठकर उनसे बात किया। वहीं युवती ने कहा कि राहुल गांधी से मिलकर अच्छा लगा, कहा कि मेरे पैर में लगे धूल को राहुल गांधी ने झाड़ा। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि देश में नफरत फैलाया जा रहा है जिसके कारण हम लोग हैं। वहीं कहा पूरे देश में बीजेपी आरएसएस नफरत फैला रही है, देश की पूंजी 3 अरबपतियों को दिया जा रहा है, देश में बीजेपी के युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया है, देश की पूरी संपत्ति अपने पूंजीपति मित्रों को दे दिया गया है। झारखंड पर आदिवासियों को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि आदिवासियों की जल जंगल जमीन की रक्षा कांग्रेस पार्टी करती रहेगी। नई यात्रा एक आंदोलन के रूप ले चुका है। हम लोग खंडल परगना के पाकुर जिला से हम लोग घुसे थे और लगातार इस यात्रा में हजारों हजार लोग रोज संवाद करते हैं और ये नए मिलकर रहेगा। ये नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, सभी के लिए। शक्ति डाली। अच्छा अब मुझे भाषण देने दो, यहाँ पे डिस्टर्ब मत करो, बाद में जितना करना है कर ले। अरे भैया ढक लिया बस। अरे इतने साथ तो लोग ढक लिया भैया। भारत छोड़ो, ढक लो मत। भारत छोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक करी, उसका लक्ष्य देश को जोड़ने का था और जो नफरत और हिंसा बीजेपी के लोग आरएसएस के लोग देश में फैला रहे हैं उसके खिलाफ खड़े होने का था और उसमें हमें बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हुई। पूरी देश में हमने ये मैसेज फैला दिया कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान कांग्रेस पार्टी खोलती है। इस बार मणिपुर से महाराष्ट्र हमने यात्रा की है, इसमें हमने एक शब्द न्याय शब्द जोड़ दिया है। न्याय शब्द जोड़ने के 2-3 कारण है। राहुल सबसे बड़ा कारण जो आर्थिक अन्याय हो रहा है देश में, जो चुने हुए 2-3 अरबपतियों को देश की आपकी पूरी की पूरी पूंजी पकड़ाई जा रही है। दूसरी बात जीएसटी और नोटबंदी के कारण फैली है। जो नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी ने देश में युवाओं का भविष्य बर्बाद किया है, उसके खिलाफ ये यात्रा है। आदिवासियों को रोजगार मिलता था, उनको सबको एक के बाद एक प्राइवेटाइज किया जा रहा है। अरे कौन ये पब्लिक सेक्टर यूनिट हिंदुस्तान की जनता की प्रॉपर्टी है। ये नरेंद्र मोदी जी उनकी सरकार उन्हीं 2-3 अरबपतियों को पूरी की पूरी पूंजी पकड़ा रहे हैं और मुझे लगता है थोड़ी सी देर में ये धक्का नहीं दो भाई, गिर जाएंगे। स्टील की इंडस्ट्री है, बोकारो है, ये सब पकड़ा के ये अपने 2-3 मित्रों को पकड़ा देंगे, तो इसके खिलाफ हम खड़े हैं। आखिरी बात और शायद सबसे जरूरी बात, जो हमारे आदिवासी भाई है
उनका जल, उनकी जन, उनका जंगल और उनकी जमीन झंडवार नीचे रखो है भाई, झंडवार नीचे कर भाई, और करती रहेगी। हम पैसा कानून लाए, जमीन अधिकरण बिल लाए, और हम आदिवासियों से कहना चाहते हैं, इधर ढकेलना नहीं यार, गिर जाएंगे तो, कि हम आपके साथ खड़े हैं। आपको शिक्षा, आपके स्वास्थ्य और आपके रोजगार के लिए हम 24 घंटा काम करेंगे और इन चीजों को आपको दिलवा के दिखाएंगे। आप सब यहाँ आए, दिल से आपका धन्यवाद करना। राहुल सर नमस्कार, जय हिंद। अब राहुल सर सेल्फी लेनी है ले लीजिए। राहुल सर चल भाई, नीचे चल।